हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स, आप सभी अभी प्री बोर्ड की तैयारी में लगे होंगे और बहुत जल्द आपके बोर्ड के एग्जाम्स होंगे। तो हम कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आज हम जो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है एसटीपी। सबसे पहले आपको एसटीपी का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। एसटीपी स्टैंड्स फॉर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। एसटीपी इट स्टैंड्स फॉर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। अब ये सीवेज एक्चुअली है क्या? सीवेज इज द म्युनिसिपल वेस्ट वाटर। हमारे घरों से जो वेस्ट वाटर रिलीज हो रहा है दैट इज द सीवेज। एंड दिस सीवेज इट इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। इसमें ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है, माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं एंड दीज आर पैथोजेनिक, दे कैन कॉज डिजीज। सो सबसे पहला जो हमें काम करना है, इनमें से ये जो ऑर्गेनिक मैटर है, जो माइक्रोब्स है, इनको रिमूव करना है एंड आफ्टर दैट वी हैव टू डिस्चार्ज इट इन वाटर बॉडीज। सो द म्युनिसिपल वेस्ट वाटर इज कॉल्ड एज सीवेज। इट कंटेन्स द ऑर्गेनिक मैटर एंड द पैथोजेनिक माइक्रोब्स। अब जब हम इस सीवेज का ट्रीटमेंट करते हैं तो इसको हम दो स्टेजेस में करते हैं। पहला है प्राइमरी ट्रीटमेंट और दूसरा है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। आप याद रखेंगे, जब सीवेज का ट्रीटमेंट होगा उसके बाद ही हम इसे कहाँ रिलीज करेंगे? वाटर बॉडीज में रिलीज करेंगे। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारी जो वाटर बॉडीज है इट विल गेट पोल्यूटेड, कई सारी वाटर बॉर्न डिजीजेस हो सकती हैं। तो उससे पहले हमें क्या करना है, इसका ट्रीटमेंट करना है जो होगा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में। दो स्टेजेस में हम डिवाइड करते हैं। पहला स्टेज है प्राइमरी ट्रीटमेंट और दूसरा है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। बेटा ये दो जो ट्रीटमेंट है कई बार एग्जाम में आता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है? तो अभी आप देखेंगे जब प्राइमरी ट्रीटमेंट हम करते हैं सीवेज का, इसमें सिर्फ फिजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, लेकिन जब हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट करेंगे यहाँ पे बायोलॉजिकल प्रोसेस, इट मीन्स वी आर यूजिंग सर्टेन माइक्रोब्स। क्लियर? तो पहला डिफरेंस आप याद रखेंगे, प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम फिजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व करेंगे लाइक सेडिमेंटेशन फिल्ट्रेशन, बट जब हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट करेंगे यहाँ पे हम बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व करेंगे, इट मीन्स देयर वी विल यूज सर्टेन माइक्रोब्स। क्लियर? पहला हम देखते हैं जब सीवेज, जो वेस्ट वाटर है, जब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में आता है तो सबसे पहले हम उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट करते हैं। अब प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होगा, जो वेस्ट वाटर आ रहा है उसमें कुछ फ्लोटिंग सब्सटेंस प्रेजेंट है जिसको हम कहेंगे फ्लोटिंग डेब्रिस। तो जो फ्लोटिंग सब्सटेंस है, फ्लोटिंग डेब्रिस है, हम इसको रिमूव करेंगे और रिमूव करने के लिए हम जो मेथड यूज करते हैं दैट इज सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में हमने क्या करा, फिजिकल प्रोसेस को यूज करा। जब सीवेज हमारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में आया, सबसे पहली चीज जो हमने करी वो हमने करी फिल्ट्रेशन, दैट इज सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। जब हमने सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन करा तो फ्लोटिंग डेब्रिस को हमने रिमूव कर दिया। इसके बाद जो लिक्विड आगे मूव करेगा हम उसकी स्पीड को स्लो कर देंगे। हम स्लो इसलिए करेंगे क्योंकि उसके बाद उसमें जो भी ग्रिट है, ग्रिट मींस सैंड स्टोन पेबल्स, ड्यू टू दस ये जो हमने इसका जो फ्लो है उसको जब हमने स्पीड को कम करा बेटा, ये जो ग्रिट है ये क्या हो जाएंगी, ये सेटल डाउन हो जाएंगी और उस प्रोसेस को हम कहेंगे सेडिमेंटेशन। क्लियर? तो जो सब्सटेंस नीचे बैठ गया, ग्रिट नीचे बैठ गई, इट विल बी कॉल्ड एज प्राइमरी स्लज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइमरी स्लज क्या है? जब हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट करा उस समय जो हमारा सब्सटेंस था जो नीचे सेटल डाउन हो गया, दैट इज द ग्रिट, इट विल मेक द प्राइमरी स्लज। ठीक है? अब इसके बाद जो लिक्विड हमारा बचा उसको हम कहेंगे प्राइमरी एफ्लुएंट, और वो क्या होगा, वो आगे के स्टेज में जाएगा, दैट इज फॉर द सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो अभी तक हमने देखा जो सीवेज, घर से जो वेस्ट वाटर निकल रहा है सबसे पहले वो जाएगा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, जहां पे सबसे पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट होगा। प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम फिजिकल प्रोसेस को यूज करते हैं, देयर इज नो बायोलॉजिकल प्रोसेस यूज्ड। इसमें जो भी उसमें फ्लोटिंग डेब्रिस है, कोई भी चीज जो फ्लोट कर रही है उसको हम रिमूव करेंगे बाय सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन से। आगे जब ये आगे के चैम्बर में मूव करेगा प्राइमरी सेटलिंग टैंक में, तो हम क्या करेंगे, उस लिक्विड की स्पीड को स्लो कर देंगे। स्लो करने की वजह से बेटा उसमें जो ग्रिट है, ग्रिट मींस सैंड स्टोन्स क्ले पार्टिकल्स,
ऑल दैट विल सेटल डाउन इन द प्राइमरी सेटलिंग टैंक. ये प्रोसेस कहाँ हो रही है? प्राइमरी सेटलिंग टैंक में. इस प्रोसेस को हमने नाम दिया सेडिमेंटेशन. जो सब्सटेंस नीचे सेटल डाउन हो गया उसे हमने कहा प्राइमरी स्लज. तो प्राइमरी स्लज में क्या होगा? जो सब्सटेंस नीचे सेटल डाउन हो गया, जो लिक्विड बचा उसे हमने कहा प्राइमरी एफ्लुएंट. और वो लिक्विड अब हमारे सेकेंड स्टेज के लिए जाएगा, दैट इज सेकेंडरी ट्रीटमेंट. क्लियर? सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम बायोलॉजिकल प्रोसेस को यूज करेंगे, हम माइक्रोब्स को यूज करेंगे फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द ऑर्गेनिक वेस्ट. अब जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है उसमें हम डिफरेंट चैम्बर्स देखेंगे. पहला जो चैम्बर इसमें आएगा दैट इज एरेशन टैंक. क्लियर? एरेशन टैंक नाम से ही पता चल रहा है इस टैंक में हम कौन से माइक्रोब्स को यूज करेंगे. हम एरोबिक बैक्टीरिया को यूज करेंगे. इसके बाद जो सेकेंड चैम्बर होगा दैट विल अगेन सेटलिंग टैंक, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक. और जो थर्ड चैम्बर होगा वो होगा एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर. आपको ये सीक्वेंस याद करने होंगे. क्लियर? अब हम देखते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, जब हमारा प्राइमरी एफ्लुएंट पहुंचा एरेशन टैंक में तब क्या हुआ. जब वो एफ्लुएंट हमारा एरेशन टैंक में पहुंचा, हमने देखा एरेशन टैंक में उस प्राइमरी एफ्लुएंट का बार बार मिक्सिंग होती है. सो देयर इज कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड मैकेनिकली. वहां पे मिक्सिंग होगी प्लस वहां पे एरोबिक बैक्टीरिया है तो हमें ऑक्सीजन की बार बार सप्लाई करनी होगी, क्योंकि जो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं दे नीड ऑक्सीजन. सो वहां पे क्या होगी? एयर इज पम्प्ड. व्हाई एयर इज पम्प्ड? सो दैट जो एरोबिक बैक्टीरिया है वो ग्रो करें. क्लियर? तो हमारा प्राइमरी एफ्लुएंट कहाँ पहुंचा? इट वेंट टू द एरेशन टैंक. एरेशन टैंक में एयर को पास किया जाता है पंप के थ्रू. जब एयर को हम पास करते हैं बेटा, वहां पे जो बैक्टीरिया है वो ग्रो करते हैं. और बैक्टीरिया और जो फंगल फिलामेंट्स है टुगेदर दे मेक अ मेश लाइक स्ट्रक्चर, एक जाल जैसा स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसे हम फ्लॉक्स कहते हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ये सीबीएसई में क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट आर फ्लॉक्स. तो आपकी एनसीईआरटी से फ्लॉक की डेफिनेशन याद करेंगे. फ्लॉक्स क्या है? मासेस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विथ फंगल फिलामेंट्स टू फॉर्म अ मेश लाइक स्ट्रक्चर. वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट आर फ्लॉक्स? फ्लॉक्स आर द मासेस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विथ फंगल फिलामेंट्स टू फॉर्म अ मेश लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फ्लॉक. वन मार्क का ही क्वेश्चन है. क्लियर? इसके बाद क्या होगा बेटा? ये जो आपके फ्लॉक्स हैं, ये जो आपके एरोबिक बैक्टीरिया है, प्राइमरी एफ्लुएंट में जो भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है ये इसको कंज्यूम करेंगे. और जब ये इसको कंज्यूम करेंगे दे नीड ऑक्सीजन. तो हायर द बीओडी, जितना ज्यादा बीओडी होगा उतना ज्यादा आप याद रखेंगे वो वाटर पोल्यूटिंग है. इट मींस उतना ज्यादा क्या चाहिए? ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड. ध्यान से सुनेंगे, एक टर्म आएगा भी बीओडी, पर बीओडी में जाने से पहले आप देखेंगे प्राइमरी एफ्लुएंट जब हमारा एरेशन टैंक में पहुंचा क्या हुआ? यहाँ पे जो फ्लॉक्स थे उन्होंने क्या कंज्यूम करा? ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करा. दे विल कंज्यूम द ऑर्गेनिक मैटर. जितना ज्यादा बीओडी हाई होगा इट मींस उतना उसमें ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है वाटर में, उतना ज्यादा वो पोल्यूटेड है. क्लियर? हमें तब तक ट्रीटमेंट करना है जब तक बीओडी का लेवल कम ना हो जाए. सो मोर द बीओडी मोर पॉल्यूटिंग द वॉटर इज, लेस द बीओडी लेस पॉल्यूटेड द वॉटर इज, इट कंटेन्स लेस अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. क्लियर? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पे बीओडी का मतलब क्या है ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये एरोबिक बैक्टीरिया है दे नीड ऑक्सीजन. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द फुल फॉर्म ऑफ बीओडी. द फुल फॉर्म ऑफ बीओडी इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड. बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड अमाउंट ऑफ ओटू कंज्यूम्ड टू इफ ऑल द ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वॉटर वर ऑक्सीडाइज बाय द बैक्टीरिया. कौन से बैक्टीरिया? एरोबिक बैक्टीरिया. एरोबिक बैक्टीरिया को कितना ऑक्सीजन ये कंज्यूम कर रहे हैं? किसको ऑक्सीडाइज करने के लिए? ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वॉटर. तो ये आप याद रखेंगे बीओडी की डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय द एरोबिक बैक्टीरिया टू ऑक्सीडाइज द ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वॉटर. क्लियर? सो दैट इज बीओडी. सो जितना ज्यादा बीओडी है, जितना ज्यादा ऑक्सीजन डिमांड है, इट मीन्स उतना ज्यादा उस वॉटर में क्या प्रेजेंट है? ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है. और उतना ज्यादा वो क्या है? पोल्यूटेड है. तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दो चीजें मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताई है,
फ्लॉक्स क्या है, बीओडी क्या है, इनकी डेफिनेशंस को आप लर्न करके जाएंगे, एग्जाम में इनके आने के चांसेस ज्यादा है। क्लियर हो गया? इसके बाद जब बीओडी का लेवल डिक्रीज हो जाएगा, व्हाट विल डू, वी विल सेंड इट टू द नेक्स्ट चैम्बर, दैट इज द सेटलिंग टैंक। क्लियर? हम सेटलिंग टैंक में भेजेंगे, जहां पे क्या हो जाएगा बेटा, अगेन जो फ्लॉक्स है वो सेटल डाउन हो जाएंगे। तो फ्लॉक्स विल सेटल डाउन, एंड जब ये फ्लॉक सेटल डाउन हो गए, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ पोर्शन इज सेंड बैक अगेन टू द एरेशन टैंक, क्योंकि वहां पे ये इनोक्यूलम का काम करेंगे, अगेन वी हियर वी रिक्वायर द फ्लॉक्स। क्लियर? तो स्मॉल पार्ट इज सेंड टू द एरेशन टैंक एंड द रेस्ट इज सेंड टू द एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। क्लियर? ये बात समझ में आई आपको? जब हमने इसे एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में भेजा, वहां पे जो एनारोबिक बैक्टीरिया है वो ऑर्गेनिक मैटर को क्या करेंगे, जो ये बैक्टीरिया है, जो फ्लॉक्स है, उसे डाइजेस्ट करेंगे। दे विल डाइजेस्ट द फ्लॉक्स। व्हेन दे विल डाइजेस्ट द फ्लॉक, व्हाट विल हैपन, द गैस विल बी रिलीज्ड, बायोगैस विल बी रिलीज्ड, एंड द कंपोजिशन ऑफ दैट बायोगैस इज हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, मीथेन CH4 एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैस की कंपोजिशन आपको याद रखनी है, ये भी क्वेश्चन आता है, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड इन द एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। सो दीज थ्री गैसेस, हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस्ड। आफ्टर दिस द सेकेंडरी एफ्लुएंट इज डिस्चार्ज्ड इन द वॉटर बॉडी। क्लियर? फिर से देखेंगे बेटा, STP सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज क्या है? इट इज द म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर। इसमें क्या प्रेजेंट है? इस म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर में ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, ह्यूमन एक्सक्रीटा प्रेजेंट है, कई सारे ऐसे माइक्रोब प्रेजेंट है जो पैथोजेनिक है, जो डिजीज कॉजिंग है। तो इनको डायरेक्टली वाटर में डिस्चार्ज करने से अच्छा है पहले हम इसे क्या करेंगे, इनका ट्रीटमेंट करेंगे। कहाँ करेंगे? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में। कौन सी दो स्टेजेस होती है? प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम सिर्फ फिजिकल मेथड इन्वॉल्व करते हैं, बट सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम बायोलॉजिकल प्रोसेस यूज करते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट में जब सीवेज आया ट्रीटमेंट के लिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन करेंगे। कैसा फिल्ट्रेशन? सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, जिससे जो भी फ्लोटिंग डेब्रिस है वो क्या हो जाए, वो सेपरेट आउट हो जाए। इसके बाद हम जो लिक्विड है उसकी जो स्पीड है हम कम कर देंगे। एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन, जो उसमें ग्रिट है, सैंड, स्टोन, क्ले, एवरीथिंग विल सेटल डाउन इन द प्राइमरी सेटलिंग टैंक एंड द प्रोसेस इज नोन एज सेडिमेंटेशन। ये जो नीचे सेटल डाउन हो गया, इसे हम कहेंगे प्राइमरी स्लज। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी स्लज एंड एक्टिवेटेड स्लज। तो ये जो नीचे सेटल डाउन हुआ, दैट इज प्राइमरी स्लज। क्या लिखेंगे आप? प्राइमरी ट्रीटमेंट जब हम करते हैं, जो हमारा ग्रिट नीचे सेटल डाउन हो जाता है इन प्राइमरी सेटलिंग टैंक, दैट कंस्टिट्यूट द प्राइमरी स्लज। क्लियर? इसके बाद जो ऊपर एफ्लुएंट है, उसे हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेजेंगे और वहां पे हम बायोलॉजिकल मेथड को यूज करेंगे। जब हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते हैं, तीन चैम्बर्स का हम डिस्कस करेंगे। पहला है एरेशन टैंक, सेकेंड है सेटलिंग टैंक और द थर्ड है एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। जब हमारा प्राइमरी एफ्लुएंट एरेशन टैंक में पहुंचा, तो इस प्राइमरी एफ्लुएंट में क्या प्रेजेंट था? ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट था। इस ऑर्गेनिक मैटर को किसने डाइजेस्ट करा? माइक्रोब्स ने। कौन से माइक्रोब्स? एरोबिक माइक्रोब्स। क्लियर? एरेशन टैंक में हम बार बार एयर की सप्लाई करते हैं, ताकि जो हमारे माइक्रोब है वो ग्रो करें, प्रॉपरली वर्क करें। ये जो माइक्रोब है, जो बैक्टीरिया है, ये फंगस के साथ मिलके एक मेश लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? फ्लॉक्स। क्लियर? इसके बाद हम क्या करेंगे, जो एफ्लुएंट है उसे नेक्स्ट चैम्बर में भेजेंगे, दैट इज सेटलिंग टैंक में। सेटलिंग टैंक में जो हमारे फ्लॉक्स हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, और इनमें से कुछ पोर्शन को हम वापस कहाँ भेजेंगे? एरेशन टैंक में एज इनोक्यूलम। रेस्ट को हम भेज देंगे एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में, जहां पे एनारोबिक बैक्टीरिया इनको क्या करेंगे, फ्लॉक्स को डाइजेस्ट करेंगे। जब ये डाइजेस्ट करेंगे, तो उसमें से ये गैसेस प्रोड्यूस होंगी, हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन एंड CO2, जिसको हम एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो एफ्लुएंट बचा, सेकेंडरी एफ्लुएंट, उसे हम सेंड कर देंगे वॉटर बॉडीज में। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, एंड आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
इफ देर इज एनी डाउट या आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू.